मुझे देख रहे हैं सिर्फ MNS न्यूज पे। नमस्कार, मैं रवीना, मैंने न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। ब्रेकअप से तिल मिलाकर लड़की ने लगाया रेप का आरोप, जानिए कैसे निर्दोष साबित हुआ प्रेमी। नई दिल्ली के कड़कडुमा कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद उस पर रेप का झूठा आरोप लगा दिया है। वही जब काफी प्रयास के बाद भी दोनों में रिश्ते में सुधार नहीं हुआ तो पहले युवती ने तिल मिलाकर युवक पर मारपीट का आरोप लगा दिया गया था, जिसके बाद उसने रेप का भी धारा जुड़वा दी थी। कोर्ट में चली सुनवाई के बाद यह पाया गया कि युवती के लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। उसने पहले मारपीट का आरोप लगाया था और रेप की धारा बाद में जुड़वाई गई थी। जब उसे मेडिकल कराने के लिए बोला गया तो उस इस बात से इनकार कर दी थी। फिलहाल मामले में सुनवाई के बाद इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया है। कैसे हुई थी मुलाकात युवक की, वकील मनीष भदौरिया ने बताया कि पूर्वी दिल्ली में रहने वाला युवक और युवती की एक दिन अपने अन्य दोस्तों के साथ एक मॉल में मिले थे, जहां दोनों के बीच बातचीत होने लगी थी और एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन पार्टी के बाद वो लोग अपने फ्लैट पर चले गए थे, जहां दोनों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए गए थे, लेकिन दोनों के बीच कुछ झगड़े होने लगे थे। दोनों का ब्रेकअप हो गया था, लेकिन लड़की ने लगातार युवक को वापस आने को कह दी थी। इसके बाद भी रिश्तों में सुधार नहीं आया था। इस बाबत युवती ने ब्रेकअप को बदला लेने के लिए युवक पर झूठा आरोप लगा दिए गए थे। जब कोर्ट में कहा युवती ने, वही रेप का झूठा आरोप लगाने के बाद जब पुलिस ने युवती से मेडिकल कराने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया गया था। वही जब कोर्ट में मामला पहुंचा तो युवती ने कहा कि उसने अपने एक महिला मित्र के कहने पर पहले मारपीट का आरोप लगाया, इसके बाद भी जब युवक नहीं माना तो उस पर रेप का भी आरोप लगा दिया था। इस मामले में कोर्ट ने युवक को बरी कर दिया गया है। कोर्ट में चली सुनवाई के बाद जब जज ने माना कि युवती ने झूठा आरोप लगाया था, दोनों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे, वही जब युवती ने मेडिकल कराने के लिए बोला गया तो उसने साफ इनकार कर दिया था। इस बाबत कोर्ट ने पूर्वी दिल्ली निवासी युवक को बरी कर दिया गया है। कड़कड़डूमा कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद उस पर रेप का आरोप लगा दिया, लेकिन जब पुलिस में मामला पहुंचा तो उसने अपना मेडिकल करने से इनकार कर दिया। वहीं जब कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तब महिला ने कबूला कि उसने अपने एक महिला दोस्त के कहने पर रेप का आरोप लगा दिया था। वहीं कोर्ट ने यह पाया कि दोनों ने आपसी सहमति से संबंध बनाए थे, जिसके बाद रेप का मामला नहीं बनता है और यह धारा भी मामला दर्ज होने के बाद अलग से जोड़ी गई थी। इस पूरे मामले में फिलहाल पीड़ित पक्ष को बरी कर दिया गया। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।